फिर पूजा के बाद प्रसाद का वितरण होता है। यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा हम लोग कर रहे हैं, है ना। पहले प्रसादी वितरण कर लिए, अब पूजा शुरू हो रही है, अब मंत्र हम पढ़ेंगे, है ना। आप लोग उसमें भागी बनेंगे। तैयार हैं आप सब? तैयार हैं आप सब? इन सारे बच्चों के लिए बस इतना ही कहेंगे, मैं हमेशा कहता हूं कि नफस नफस में उतरना कमाल होता है, नजर नजर में उतरना कमाल होता है। बुलंदियों पे तो कोई भी पहुंच सकता है मेरे दोस्त, पर उन बुलंदियों पे बने रहना कमाल होता है। विश्वास मानिए, आप आज जाके रात में घर में बैठिएगा कि दिन भर कहां कहां आपका टाइम जाता है, तो पता चलेगा कि 5-7 घंटा तो आपका बर्बाद होता ही होता है, बिल्कुल होता है। अगर आप कहेंगे कि मेरा नहीं होता है, आप मेरे साथ बैठिए, मैं निकाल दूंगा कि कहां कहां आप कर रहे हो, बिल्कुल होता है। मैं मान ही नहीं सकता कि नहीं होता, बिल्कुल होता है आपका 5-7 घंटा बर्बाद। वो 5-7 घंटा मैं चाहता हूं कि आप यूटिलाइज करो, बर्बाद नहीं करो, दैट्स इट। इज इट क्लियर? अच्छा ये बताओ, कितने लोग सच में चाहते हो कि मैं ब्लॉगिंग भी शुरू करूं? चाहते हो कि मैं पढ़ूं, जो पढ़ूं उसको कहीं जाके लिखूं, और अगर वो मोनेटाइजेशन हो जाए तो कुछ पैसा भी वहां से आ जाए? कितने लोग चाहते हैं? अच्छा चाहते हैं? 5-7 में टाइम दोगे? मनीष सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मनीष सर इन्हें एक बार ब्लॉगर के बारे में, वो जो फ्री वेबसाइट बनता है वो बता दीजिए, और वर्डप्रेस पे जो वेबसाइट बनता है वो बता दीजिए, और उसके प्रोसेसेस क्या होते हैं वो बता दीजिएगा। बाकी लाइफ में कभी भी इनसे कोई काम पड़े, डिजिटली अपने आप को इंपावर करना चाहते हो, डिजिटली अपने आप को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हो, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जिनमैट इनकी एक स्टार्टअप भी है, जिनमैट। जिनमैट जो है वो क्या करती है, स्किल बेस्ड कोर्सेज आपको प्रोवाइड करती है। जैसे सर आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ाते हैं, वैसे ही आपको ब्लॉगिंग सिखाते हैं, आपको वेबसाइट डिजाइनिंग सिखाते हैं, कैनवा ग्राफिक डिजाइनिंग सिखाते हैं, वीडियो एडिटिंग सिखाते हैं, आपको रिसेलिंग सिखाते हैं, पब्लिक स्पीकिंग सिखाते हैं। पब्लिक स्पीकिंग तो मेरा ही कोर्स है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट वाला भी मेरा ही कोर्स है। तो ये सारी कोर्सेज इनके प्लेटफॉर्म पे मिल जाता है, वो सब कुछ वहां पे अवेलेबल है, तो यू कैन फिगर दैट आउट। वो बाद में कभी बात कर लेंगे, लेकिन मैं इनसे चाहूंगा कि फ्री वाली जो चीजें हैं इनको एक बार 5-7 मिनट में प्लीज बता दें। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, कैसे हैं सभी लोग? अच्छा उन सभी चीजों पर, डिजिटल वाले पार्ट पर आने से पहले, मैं एक ग्राफ है जो कि आप सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। अनुराग सर ने इतना बेहतर तरीके से, इतना आपके अंदर मोटिवेशन ऐड नहीं किया है, ठीक है, प्रोडक्टिविटी ऐड किया है, तो वो सारे प्रोडक्टिविटी आपके खत्म नहीं होने चाहिए, और उसका जो एक ग्राफ आपके माइंड में हमेशा से होने चाहिए, ठीक है। आज यहां से बहुत सारे बच्चे जो है जाएंगे, जो कि अभी सर बता रहे थे कि -40 भी आया है किसी का नंबर, 14 ओके, -14 भी आया है नंबर, ठीक है। तो शायद ऐसा होगा कि आज के बाद वो भी यहां से जाएंगे और खूब सारा मेहनत करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा होता है ना कि जब हम मेहनत करना स्टार्ट करते हैं तो एक ग्राफ हमेशा ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ये हमारा मेहनत वाला ग्राफ होगा और ये होगा हमारा रिजल्ट वाला ग्राफ, ठीक है। आज आप जाओगे खूब एकदम मोटिवेशन फूड, खूब एकदम प्रोडक्टिविटी अनुराग सर ने आपके अंदर डाला, तो आप आज से क्या करना स्टार्ट करोगे कि खूब मेहनत करना स्टार्ट करोगे, ठीक है। लेकिन इसमें होगा क्या कि आज आप करोगे खूब सारा मेहनत, इधर वाला देख रहे हो ग्राफ, ये खूब सारा मेहनत वाला ग्राफ है, और आप जब स्टार्ट करोगे ना काम, तो यहां पर आपको रिजल्ट मिलेगा थोड़ा सा, 1%। आप डालोगे 99% अपना एफर्ट, कितना मिलेगा आपको रिजल्ट? 1%। फिर 2 दिन मेहनत करोगे, 3 दिन मेहनत करोगे, तो दिखेगा यार कि बहुत ज्यादा कुछ हो नहीं रहा, बहुत ज्यादा कुछ बदलाव हो नहीं रहा, फिर जाकर छोड़ दोगे। तो मैं कहूंगा आपसे ना कि ये ग्राफ को जरूर आप हमेशा से याद रखना, आप हमेशा से लाइफ में ये ग्राफ, हमेशा कभी भी आप जब भी कोई भी चीजें नई स्टार्ट करते हो, नई शुरुआत करते हो, तो ये ग्राफ आपके लाइफ में बहुत ज्यादा काम आता है, ठीक है। आप मेहनत करोगे 100% मिलेगा रिजल्ट, 0% ये रिजल्ट वाला है, ठीक है, 0%। आप फिर 99% पे आओगे, आपको इधर मिलेगा जो है 1% इधर, फिर जितना इधर मेहनत करते जाएंगे, लेकिन एक टाइम ऐसा होगा ना कि धीरे 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 आपकी मेहनत कम होते जाएंगे और रिजल्ट जो है आपको बहुत ज्यादा मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि ये ग्राफ को आप सभी लोग याद रखेंगे। एक दिन ऐसा होगा कि फिजिक्स का क्वेश्चन अभी सॉल्व करने में आपको लग रहा, 5 से आपको लग रहा कि समझ में नहीं आता है फिजिक्स का, हमें भी नहीं समझ में आता था। कुछ लोगों कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्हें समझ में नहीं आएगा, यार फिजिक्स क्या, सॉल्व करना स्टार्ट किए समझ में नहीं आ रहा, छोड़ो मेहनत करना खत्म करते। लेकिन इस ग्राफ को जब आप हमेशा ध्यान में रखेंगे ना,
तो आपको लगेगा नहीं मेहनत करेंगे और रिजल्ट तो मिलेगा ही मिलेगा। और एक दिन ऐसा आएगा कि आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे मात्र 1-2-3 मिनट में वो सॉल्व हो जाएंगे। तो आई रिक्वेस्ट टू यू ऑल कि सारे लोग इस ग्राफ को जरूर ध्यान पे रखेंगे, ठीक है। बहुत सारे लोगों के साथ एक और प्रॉब्लम है, क्या है कि भाई बहुत ज्यादा सर गलती बड़ा होता है, मिस्टेक बहुत होता है। तो देखो एक चीज है, एक कोट है, बहुत छोटा है, मोर स्टडी मोर प्रॉब्लम, नो स्टडी नो प्रॉब्लम, ठीक है। जब आप मेहनत जितना करोगे ना तो प्रॉब्लम तो आएगा ही आएगा। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि भाई मेहनत कर रहे और प्रॉब्लम ही नहीं होगा। आप मेहनत मत करो, प्रॉब्लम नहीं आएंगे, दैट्स इट, ठीक है। तो अगर आपके साथ प्रॉब्लम आ रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपके साथ प्रॉब्लम आ रहा है, दैट मीन्स कि आप वर्क करना स्टार्ट कर चुके हैं, ठीक है। तो ये दो चीजें आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना होगा। खैर एडी में मैं अपने चीजों को जो ब्लॉगिंग के बारे में मैं आप सभी लोगों को थोड़ा सा बताऊंगा, ठीक है, ताकि आप सभी लोग पैरेलली साथ ही साथ आप अपनी चीजों को यहां पर अपने आप को क्या कर सकते हो, फाइनेंशियली फ्रीडम कर सकते हो। ये अपॉर्चुनिटी आपके साथ है। लेकिन एक चीज है, आप सभी लोग हमेशा से ध्यान रखेंगे, पढ़ना हर जगह पड़ेगा। आप अगर ब्लॉगिंग करना स्टार्ट करना चाहते हो, यूट्यूब पर बनाना वीडियो स्टार्ट करना चाह रहे, ठीक है, बहुत अच्छा, लेकिन आपको उसके लिए भी पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो यानी कि पढ़ना तो भाई नेसेसरी है, ठीक है। अब करना कैसे है उसको, उन सभी चीजों के बारे में बताने से पहले बस एक मिनट में मैं अपना इंट्रोडक्शन दूंगा। मेरा नाम है मनीष रावत और अभी मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है, बहुत छोटा सा, उस पर ज्यादा वर्क नहीं करता हूं, ठीक है। बहुत सारे और भी काम है, डिजिटल मनीष रावत के नाम से यूट्यूब चैनल है। मैंने अपनी जो है डिजिटल मार्केटिंग में जर्नी लगभग 4.5 सालों से स्टार्ट किया है और इस जर्नी में मैंने जितने भी डिजिटल मार्केटिंग की चीजें आपने सुना हो, चाहे वो यूट्यूब हो, वीडियो एडिटिंग हो, ग्राफिक डिजाइनिंग हो, वेबसाइट डेवलपमेंट हो, सोशल मीडिया मार्केटिंग हो, बहुत जितने भी बड़े बड़े इंडस्ट्री है उन सभी का सोशल मीडिया हैंडलिंग का भी काम करता हूँ। साथ ही साथ मैंने 5,000+ स्टूडेंट को हमने ट्रेंड भी कर चुका है और वो आज के डेट में बहुत अच्छा अर्निंग कर भी रहा है। सो मैं आप, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। तो आप भी ये सारी चीजें कैसे कर सकते हैं, बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। और इसके लिए क्या बहुत ज्यादा पैसा खर्च करने की जरूरत है, नहीं। क्या आपको बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करने की जरूरत है, नहीं। आप पढ़ाई करो बहुत अच्छा, जो आप टाइम बर्बाद कर रहे, जैसे अनुराग सर ने बताया ना बहुत सारी चीजें लिखकर कि कहां कहां आप टाइम बर्बाद कर रहे, उसी सारे टाइम को अपने और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में उसे ऐड करना है और आपकी सच में लाइफ। मैं अभी सर ने फिर से बोला था कि यूट्यूब पर पैसा कमाना, यूट्यूब से पैसा कमाना दोनों डिफरेंट चीज है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। अभी यहां पर कोई म्यूजिक कर रहे थे, हाँ ठीक है। अगर मैं रहता, अगर मुझे आता ना सिंगिंग करना बहुत अच्छे से, तो मैं तो सबसे पहले अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करता और रेगुलर बेसिस पर वहां पर म्यूजिक डालना स्टार्ट करता, और गारंटी बता रहा हूं, और जिस प्रोसेस से मैं कर रहा हूं ना उस कंसिस्टेंसी तरीके से कर रहे होते तो आप शायद शायद नहीं मतलब 98% 99% चांसेस है कि आपको सक्सेस जो है अभी जो भी कर रहे हो उससे 10x ज्यादा मिलेगा, ठीक है। तो ब्लॉगिंग, रीसेलिंग और यूट्यूब, ये सारे चीजें आप बहुत सारे, डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत बड़ा समुद्र है और उस समुद्र का मैं बार बार उस समुद्र में जाता हूं और बहुत सारे छोटे छोटे जो है हीरे मोती टाइप से निकाल कर लाता हूं, उसे इंप्लीमेंट करता हूं, बहुत अच्छा अर्निंग कर रहा हूं, ठीक है। तो और ये आप भी कर सकते हैं, और मैं ऐसा नहीं कि मेरे पास क्या सेम हार्डवेयर सेम है, बस सॉफ्टवेयर चेंज करने की जरूरत है, और ये आप भी कर सकते हैं। तो इसमें एक ऑप्शन है ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग कैसे कर सकते हैं, अगर आप जाना थोड़ा सा सर्च उर्च करना, उसके लिए पढ़ाई आपको करनी पड़ेगी। आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं, ब्लॉग बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, जो भी चीजें कर रहे हैं उसके लिए आपको डेप्थ में स्टडी करनी पड़ेगी, और स्टडी करने के बाद जो आपको आ रहा है, ठीक है। आप वीडियो, बहुत सारे लोगों को हेजिटेशन फील होगा, यार वीडियो तो नहीं बन रहा, बड़ा प्रैक्टिस कर रहे हैं, चीजें हो ही नहीं रही, हम फेस दिखा नहीं सकते, तो आप कर सकते हो वहां पर ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग बहुत सिंपल सी चीजें हैं। आज अब कोई हर बार जब कुछ ना कुछ अगर आपको टास्क मिला होगा तो क्रोम पर आपने जरूर सर्च किया होगा, बिल्कुल किया होगा, और वो जो सर्च करके जो निकलता है ना आपके सामने रिजल्ट, वही काम है ब्लॉगिंग, वही काम है ब्लॉगिंग, और वो आप भी कर सकते हैं। मान लीजिए आज सर आपको एक ऐसे लिखने के लिए दे दिए कि महात्मा गांधी के बायोग्राफी के ऊपर आप लोगों को लिख कर लाना है, ठीक है। आपने यूट्यूब पर नहीं किया, गूगल पर सीधे सर्च किया और गूगल पर बहुत सारे ऑप्शन दिख कर आते हैं, तो वहां पर जो है महात्मा गांधी के ऊपर जो लिखा गया ऐसे है ना, वो हम ही और आप तो कर रहे होते हैं, ठीक है, कोई दूसरा नहीं कर रहा होता, वो हम आप जैसे लोग ही वहां पर
वो चीजें कर रहे होते हैं। और ये कैसे करते हैं, इसका दो प्रोसेस है, ठीक है। सबसे पहले है कि आप ब्लॉगर पर जाकर, जहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको एक रुपए भी किसी को देने की जरूरत नहीं है, वहां पर जाकर आप ब्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हैं। और उसके लिए बहुत सिंपल सिंपल सा सेटिंग्स है, वो हमारे जो एप्लीकेशन है जिनमैट, ठीक है, आप प्ले स्टोर पर जाएंगे तो वहां पर आपको हमारी एप्लीकेशन दिख जाएगी। वहां पर वो ब्लॉगिंग वाले, जो ब्लॉगर पर कैसे ब्लॉगिंग करना है, वो भी चीजें आ रही हैं। वो हो सके शायद वो फ्री ऑफ कॉस्ट आ रहा है, आई डोंट नो, अभी मुझे कंफर्मेशन नहीं है, ठीक है। लेकिन वहां पर बहुत सारी चीजें जो है फ्री ऑफ कॉस्ट चीजें दी गई है, जो कि आपके स्किल को इंप्रूव करने में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है, ठीक है। तो वहां ब्लॉगर पर कैसे, बहुत छोटा छोटा टेक्निकल। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे यार वेबसाइट डेवलपमेंट ये सारा चीजें तो कोई साइंस स्टूडेंट करेंगे, कोई आर्ट्स स्टूडेंट करेंगे, नहीं। क्या आप बैकग्राउंड है, आप क्या करते हो, कुछ मैटर नहीं पड़ता। आपके अंदर अगर आप चाह रहे हो कि हमें करना है, बस दैट्स इट, इतना ही बस चाहिए, आप उसे कंसिस्टेंसी तरीके से बस करना स्टार्ट कर दे, ठीक है। वहां पर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखिएगा कि आप रेगुलर बेसिस पर कितना अपने आप को अपडेट कर पा रहे, ठीक है। जितना आप अपने आप को अपडेट करेंगे, जितना आप स्टडी करेंगे, आप अपनी चीजों को वहां पर और भी ज्यादा क्या करेंगे, वहां पर ज्यादा से ज्यादा आर्टिकल लिख पाएंगे। सिंपल सा टास्क है, जो आपने पढ़ा है उसे ड्राफ्ट करना है, थोड़ी सी अपनी उसमें क्रिएटिविटी ऐड करनी है और उसे वहां पर ब्लॉगर पर पोस्ट कर देना। सेकेंड प्रोसेस है, जो वर्डप्रेस के थ्रू जो वेबसाइट बनती है, वहां पर छोटा सा इन्वेस्टमेंट आता है, इन्वेस्टमेंट दैट मीन्स बहुत ज्यादा भी नहीं, 4-5 हजार रुपए के आसपास में आता है। वहां पर एक होस्टिंग एंड एक डोमेन परचेज करना होता है और उसे परचेज करके वहां पर आप अपना जो है ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हैं, जैसा कि हमारा हिंदी रेडियो है और भी बहुत सारे हैं, हमारे 5-6 हमारे ब्लॉग है, ठीक है, जो कि हिंदी रेडियो अभी बहुत करंट में भी चल रहा है, उसमें बहुत सारी टीम काम करे। अगर आप उसे चीजें को सर्च करेंगे hindiradio.in तो वहां पर समझ में आ जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, बस हमारे जो भी स्टूडेंट है वो पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, रोज दिन वो जीके जीएस ये सारी चीजों की स्टडी कर रहे हैं, बस वो पढ़कर आते हैं, उसे थोड़ा सा और सर्च करते हैं और उसे एज इट इज लिखकर पोस्ट कर देते हैं, वहां पर व्यूज आते हैं, वहां पर फिर पैसे आना स्टार्ट होते हैं। कैसे होता है, ये जो चीजें है आपका एडसेंस होता है, आप थोड़ा थोड़ा चीजें आप सर्च भी करना, ठीक है, बाकी की चीजें अगर कभी डिटेल में बातें होंगी तो करेंगे, ठीक है, लेकिन आप अपने साइड से इसे सर्च करना, आपको पॉइंट मिल गया कि कैसे अर्निंग किया जा सकता, बिल्कुल आप कर सकते हो और यहां से आपकी प्रोडक्टिविटी नो डाउट बहुत ज्यादा बढ़ेगी। थैंक यू सो मच सर, थैंक्स अ लॉट।